इसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू होती है उसको हम डिनोट करते हैं 210 जीपीए से, और एक जीपीए बराबर 10^3 एमपीए से डिनोट करते हैं, और एक एमपीए बराबर क्या होता है 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, आप इसको पॉइंट करके लिख सकते हो। दूसरा होता है ई रबर, दूसरा होता है ई रबर, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है दोस्तों यहां पर 16-17 जीपीए। और थर्ड जो पॉइंट आता है दोस्तों ई डायमंड जो होता है, इसकी वैल्यू होती है 1440 जीपीए। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन निकल के आता है। तो दोस्तों अभी सिर्फ हम इनकी स्टडी पर कर रहे हैं कि हम मेंबर के अंदर ऐसी क्या क्या क्वालिटीज पैरामीटर है जो आपको देना होता है, या ऐसी कुछ वैल्यूज है जिनसे मेंबर को हम स्टेबल बना सके। तो ये वही चीजें हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं, और ये हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण वैल्यू रखती है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट हो गए हमारे पास। इसी तरीके से शियर मॉडुलस की भी कुछ वैल्यूज होती है हमारे स्ट्रक्चर के लिए। दूसरा पॉइंट शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस, ठीक है, शियर मॉडुलस अगर मैं इसको डिनोट करना चाहूं सी स्टील से, तो इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है 0.789 × 10^5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है। दूसरा होता है सी डायमंड, ठीक है दोस्तों, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास 430 × 10^5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। लिख लेना दोस्तों आप पोज करके। ये वैल्यू आपको डायरेक्टली याद रखनी है दोस्तों, इसलिए मैं इसको 3-स्टार टॉपिक दे रहा हूं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट पर चलते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है फोर्थ, जो भी पॉइंट है आप देख लेना, पॉइसन रेशियो। पॉइसन रेशियो इसका, इसको हम जनरली डिनोट करते हैं म्यू से, और इसका क्या काम होता है, ये जनरली मेंबर या बेन की बैंडिंग को गवर्न करता है दोस्तों। और भी इसके कुछ फंडामेंटल है, कुछ पैरामीटर्स है जिनमें ये एनरोल करता है, तो हम उसको बेसिकली डेप्थ से जाके स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका बेसिकली फॉर्मूला समझो, म्यू बराबर माइनस लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्जिट्यूडनल या लीनियर स्ट्रेन, और इसकी यूनिट जो होती है दोस्तों ये यूनिटलेस पैरामीटर होता है। ठीक है दोस्तों, क्यों होता है, स्ट्रेन क्या होती है, विकृति होती है। अब विकृति को हम कैसे कंपेयर करते हैं, जब किसी मेंबर या स्ट्रक्चर पर कोई भी लोड या फोर्सेस लगता है तो उसकी पोजीशन में जो चेंजेस है उसको कंपेयर करते हैं उसकी ओरिजिनल डायमेंशन के रेशियो के साथ। वहां से ये जो प्रॉपर्टी वो निकल के आती है स्ट्रेंथ खुद यूनिटलेस पैरामीटर है, तो जो ये हमारा पॉइसन रेशियो जो है ये भी एक यूनिटलेस पैरामीटर होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसे कुछ रेंजेस होती है वो देख सकते हो आप। जनरली ये रेंजेस जो होती है इसकी पॉइसन रेशियो की, जो रेंज होती है, रेंज जो होती है इसकी, उसको डिनोट करते हैं दोस्तों -1 to 0.5 के बीच में ये वेरी करता है। और अगर हम किसकी बात करें, हमारे इंजीनियरिंग पर्पस को भी हमारे को बनाना है स्ट्रक्चर है, सिविल इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग हमारे को मेंबर या फोर्सेस बनाने होते हैं जिनसे हमको स्ट्रक्चर को सेल्फली प्रोवाइड करना होता है। तो हमारा एक क्या होता है, इंजीनियरिंग पर्पस होता है, उसके रिगार्डिंग जो इसकी वैल्यू होती है इंजीनियरिंग पर्पस के लिए, तो जो ये वैल्यू रखता है उसकी जो रेंज होती है 0 to 0.5 होती है। दोस्तों यहां से आप देख सकते हो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर मैंने आपके साथ डिस्कस किए दोस्तों, इनकी सीधी वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेगी क्योंकि यहां से 2 या 3 सीधे न्यूमेरिकल निकल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लिख लो इसको पोज करके। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो पॉइसन रेशियो जो है
इसका मतलब क्या होता है, ये बीम या मेंबर की या जो स्ट्रक्चर है उसकी बेंडिंग को गवर्न कर रहा है। तो पर्टिकुलर अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी वैल्यूज अलग अलग होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से इसको पोज करके लिख सकते हो। दोस्तों आज का लेक्चर और इसके पहले वाला जो मैंने लेक्चर बनाया है उसके अंदर तो कुछ डेफिनेशन, कुछ इसके जो पिछला जो वीडियो था और आज का जो वीडियो है दोनों इंपॉर्टेंट है, आपको देखने बहुत जरूरी। दोस्तों यहाँ से डायरेक्टली आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो जो सीधे पर्टिकुलर वैल्यू, और दोस्तों सच्ची मानिए आप इन वैल्यूज को याद नहीं रखते और क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ से तीन या चार जो भी मैं सरकारी बता रहा हूँ आपको ये चीजें याद रखनी जरूरी है। ज्यादातर मैं चार बार करता हूँ दोस्तों, वो क्वेश्चन तीन या चार बार से उत्तर क्या है, तो सीधा आप देख सकते हो पाइथन जैसे जो वैल्यूज है डिफरेंट मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यूज रखता है। जो भी हमारे स्ट्रक्चर मेंबर है जैसे म्यू नंबर है उसकी जो वैल्यू है 0.4 टू 0.5 के बीच में वेरी करती है। उसके बाद आता है म्यू गोल्ड, इसके लिए जो वैल्यू है 0.42। म्यू कॉपर, इसकी जो वैल्यू है 0.32। उसके बाद आता है म्यू आइस 0.33। उसके बाद आता है म्यू फॉरेस्टी, इसके लिए जो रेंज है पाइथन रेशियो की 0.25 टू 0.33। उसके बाद आती है हमारे पास म्यू कॉन्क्रीट, जो इसकी रेंजेस है वैल्यू की वो वेरी करती है 0.1 टू 0.2। ठीक है दोस्तों, आप पॉज करके इसको लिख सकते हो। 2.4 है, म्यू जो कोर्क होता है इसके लिए जीरो वैल्यू होती है और म्यू जो है री एंट्रेंट फॉर्म के केस में जो पॉइसन रेशियो की वैल्यू होती है वो 0.7 होती है। ठीक है दोस्तों यकीन मानिए, आराम से पढ़िए, बेसिक कंसेप्ट पढ़िए, एक एक पॉइंट को जानिए, पूरे टाइम को मैनेज कीजिए, और जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों आप मेरे से शेयर कर सकते हो। पॉन्स रंगी एजुकेटर जो चैनल है उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उस चीज को जल्दी आपकी चीजों से जुड़ने की कोशिश करूंगा, उसको जल्दी मैं सोल्व करूंगा। आप सबसे पहले आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन बनाइए, एक एक पॉइंट पे काम कीजिए और बेसिक थ्योरी पढ़िए, देन उसके बाद अप्लाइंस कीजिए। क्यों नहीं निकलेगा यार, एग्जाम निकलना इजी होता है, बस हमको उसके अनुकूल हमारा जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो करना पड़ता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज के एंड में इतना ही, अगले लेक्चर में और भी कुछ नई चीजें जो आपको हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है उसके अगली चीजों को आपसे जोड़ूंगा और नई चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। ठीक है, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़िए, और फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है दोस्तों सफाई का ध्यान रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और खुश रहो। धन्यवाद दोस्तों।